ये देखिए दोस्तों, आज की ये केक इतनी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बनी है। चाकू से काटने के साथ ही बहुत ही इजीली कट गया है ये। इसका मतलब ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। आज मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ वनीला केक की रेसिपी, और बिना अंडे, बिना ओवन के, बिना किसी बटर के। दोस्तों बनाना इसको बहुत ही आसान है, बच्चे बड़े सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप भी अपने घर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त किरण, और आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप देख सको। तो दोस्तों आज की रेसिपी बनाने के लिए आपको कोई सा भी बड़ा सा बोल चाहिए होगा, कटोरी चाहिए होगा, उसमें सबसे पहले आपको डालना है आधा कप चीनी। मैंने यहाँ मेजरिंग के लिए एक कप लिया हुआ है, आप यहाँ पे कोई भी कटोरी या फिर कप को फिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आधा कप मैंने यहाँ पे दूध लिया है, दूध की जगह आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल है, इससे बहुत ही बढ़िया केक बनता है। और साथ के साथ ही यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब केक का अजीब सा स्मेल नहीं होता है। आप इसकी जगह कोई रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको डाल के बहुत ही अच्छे से हमने केक को मिक्स कर लेना है, जब तक कि आपका चीनी बहुत ही अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता तब तक आपको बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो जैसे हमारा चीनी मेल्ट हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे हमारा मैदा। मैंने यहाँ पे स्ट्रेनर की मदद से काफ़ी अच्छे से मैदे को छान लेना है। मैदा की जगह अगर आप गेहूँ का आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गेहूँ का आटा भी आपको इतना ही लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आधा चम्मच मैंने बेकिंग सोडा डाला है, और उसको डाल के बहुत ही अच्छे से इसको हम छान लेंगे, जीप कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया हमारा जो मिक्स मिल चुका है, इसको हम काफ़ी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से मिक्स करें ताकि किसी तरह का कोई इसमें गुठली ना रहे, लम्स ना रहे, और एक बहुत ही स्मूथ बैटर हमें रेडी हो जाए। ये देखिए कितना स्मूथ हमारा बैटर रेडी मिला है ना। अब ये डाला है हमने आधा, ये आधा नहीं, 1/4 टेबलस्पून के आसपास हमने वनीला एसेंस लिया हुआ है। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है दोस्तों, इसकी जगह पे आप जो है कॉफ़ी पाउडर या फिर कोकोआ पाउडर या फिर हॉर्लिक्स पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन सभी चीज़ों का भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसको डाल के हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है। अब यहाँ पर हमने लिया हुआ है एक स्टील का बहुत ही अच्छा सा, आप देख सकते हैं राउंड शेप का जो है बर्तन लिया है। थोड़ा सा गड्ढा होना चाहिए, यानी कि गाढ़ा होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे हमने तेल लगा के इसको बहुत ही अच्छे से ग्रीस कर लिया हुआ है। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे बटर पेपर। तो होममेड बटर पेपर है, बटर पेपर बनाना बहुत ही आसान है। किसी भी पेपर पे ऑयल ऊपर नीचे लगा के उसको पोंछ के सुखा ले, और इस तरह से पेंदे के साइज़ का काट के इसको नीचे डाल दे। और इस तरीके से हमने बटर पेपर को सेट कर लिया है, इससे क्या होगा आपका केक बिल्कुल भी पेंदे में चिपकेगा नहीं और बहुत ही ईजिली बाहर आ जाएगा। तो हमारा जो है बर्तन रेडी है, और इधर बैटर भी रेडी हो चुका है। तो बैटर को हम ट्रांसफर कर लेंगे हमारे ग्रीस किए हुए बर्तन में। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी रेसिपीज आपको मेरे चैनल पे मिलेगी दोस्तों, जरूर विजिट करें। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से हमारा जो है बैटर हमने ट्रांसफर कर लिया। एक बार इसको ठक ठक करके ठोक दे ताकि जितने एयर बबल्स हैं वो सभी हट जाए। अब यहाँ पे हमने लिया है कढ़ाई। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कढ़ाई को डायरेक्ट गैस पे ना रखें, नीचे लोहे का तवा रखें, उसके ऊपर आपको कढ़ाई रखना है, और फिर उसके बाद कढ़ाई को 3 मिनट तक प्री हीट कर ले। उसके बाद हमने जो बैटर वाला बर्तन बना के रखा है उसको इसके अंदर डाल देते हैं, और फिर ढक्कन लगा करके लीड को बंद करके आपको यहाँ पे एकदम मिनिमम गैस पे, लो मीडियम फ्लेम पे 40 मिनट तक बेक करना है। ओवन में भी इसको आप 40 से 45 मिनट तक बेक कर सकते हैं। अगर आप गैस पे बेक करें तो 40 मिनट से थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, लेकिन ओवन में आपको 40 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो 40 मिनट के बाद जब इसको चेक कीजिएगा तो केक आपका इतना सुपर सॉफ्ट, फुला फुला स्पंजी बनेगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, एक टूथपिक लेना है, उसकी मदद से इसको बहुत ही अच्छे से चेक कर ले। अगर आपका टूथपिक काफ़ी अच्छे से क्लीन निकले या फिर चाकू बहुत ही अच्छे से क्लीन या साफ निकले, इसका मतलब आपका जो है केक अच्छे से बेक हो चुका है। इसको बहुत ही अच्छे से ठंडा करके ही डीमोल्ड करेंगे, नहीं तो आपका जो है केक टूट जाएगा अगर ठंडा नहीं करोगे तो। ठंडा करने के बाद इसके साइड को आपको निकालना है। साइड निकालने के लिए साफ साफ चाकू ले ले, और उसके बाद आपको इस तरीके से घुमाना है जिससे आपका साइड ये जो है हट जाए। और इसके ऊपर आपको एक प्लेट रखना है इस तरीके से, और फिर इसको अच्छे से पलट देना है दूसरी साइड पे। बस एक बार ऊपर से इस तरीके से जैसे ठोकोगे आपका जो है केक बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमने बटर पेपर डाला था, इससे आपका केक बिल्कुल भी बर्तन के पैंदे में नहीं चिपका है। और इजीली आपको बटर पेपर को इस तरीके से रिमूव कर देना है। तो ये लीजिए आपका सुपर सॉफ्ट, स्पंजी, बहुत ही ज़्यादा इजी वे में बना हुआ केक बनकर के रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही फ्लफी बना हुआ है दोस्तों।
तो यहाँ पे हमारा केक रेडी हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा और सुंदर और अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ पे इसका जो है फ्रोस्टिंग रेडी करेंगे। इसके लिए हमने 1/4 कप मिल्क पाउडर लिया है और 1/4 कप हमने लिया है शुगर पाउडर। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे दूध से। तो लगभग 2 से 3 चम्मच के आसपास आपको दूध की ज़रूरत पड़ेगी इसको मिक्स करने के लिए। तो आपका फ्रोस्टिंग बहुत ही इजीली बन के रेडी हो जाएगा, आपको और भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपका जो केक है ना बहुत ही सुंदर लगेगा दोस्तों, बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए हमारा फ्रोस्टिंग कितना मस्त रेडी हो चुका है ना। तो बस रेडी हो चुका है, अब चलते हैं इसको और भी अच्छे से केक को डेकोरेट करते हैं। ये रहा हमारा केक। और यहाँ पे आप केक का जो है 2 लेयर भी बना सकते हैं, केक को बीच से पार्टीशन कर दे और उसके बाद इसको इस तरीके से फ्रोस्टिंग आपको 2 लेयर पे लगा लेना है। और फर्स्ट लेयर पे हम यहाँ पे 2 लेयर्स नहीं बना रहे, तो पहला जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है वहाँ पे आपको इस तरीके से फ्रोस्टिंग डाल देना है और फिर काफ़ी अच्छे से इसको स्प्रेड कर देना है। जो केक का स्वाद है ना बहुत ही ज़्यादा यम्मी है दोस्तों, आप अपने घर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजी वे में बन जाएगा और थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत नहीं है, थोड़ा सा डेकोरेटिव इस तरीके से इसको बना सकते हैं। और साइड साइड से इसको ज़रूर डालें ताकि जो है केक वाला डिज़ाइन सुंदर आ जाए। तो ये देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है ना देखने में, बिना किसी मेहनत के बहुत ही इजी सुंदर सा डिज़ाइन। इसको सुंदर से डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे हमारा कलरफुल शुगर बॉल्स आपको मार्केट में मिल जाएगा। इसकी जगह आप चोको चिप्स वगैरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो जो भी अवेलेबल चीज़ है चॉकलेट के साथ इसको कर सकते हैं अच्छे से गार्निश। तो जिस जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसकी मदद से आप इसको आराम से गार्निश करें और बहुत ही सुंदर बनाए आपका केक। ये लीजिए हमारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत इजी वनीला केक की रेसिपी बनकर के रेडी है दोस्तों। बच्चों के साथ बड़ों को ये सच में बहुत ही पसंद आने वाला है, बहुत ही इजी है इसको बनाना। आप भी अपने घर इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, आपको चाकू को काटने के साथ ही पता चल रहा होगा कितना ईजिली से चाकू जो है केक के अंदर जा रहा है। तो बहुत ही इजी और बहुत ही सुंदर और सॉफ्ट हमारा आज का ये वनीला केक बन करके रेडी है। आप अपने घर इसको ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को दे, बड़ों को दे, सभी को बेहद पसंद आएगा। खाने में बहुत ही ज़्यादा यम्मी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दोस्तों। तो यहाँ पे आप एक स्लाइस ले करके और इसको टेस्ट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपने इस वाले केक को किस तरीके से डेकोरेट किया है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। आप सबसे फिर से मिलती हूँ नई वीडियो में नई ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, सी यू सून।